भक्ति बतेरे करते हैं, लेकिन चार चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान और महंत। साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़ के वो चाव है पुरुष अलेख। साहेब के दरबार में गाहक कोट अनंत और वो चार चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान और महंत। बढ़ाई चाहते हैं या महंतपना, प्रधानता चाहते हैं। और साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों ने छोड़ के केवल चाव है पुरुष अलेख। तो जो प्रसंग चल रहा था कि हम परमात्मा से दूर इसलिए हैं कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए, परमात्मा को ना पहचानने से हम अभी तक दुख पा रहे हैं, और परमात्मा को न पहचानने के कारण ये नकली गुरु और संत और महंत हैं जो प्रभु से परिचित नहीं। तो उनसे बचने के लिए, उनको उनकी परख करने के लिए हमने इस अध्यात्म तत्व ज्ञान को गहराई से सोचना और समझना पड़ेगा, तब हम उनसे बचे भी गए, उनको पहचान भी पाएंगे और भगवान के पास भी जा सकेंगे। वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी स्वयं आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान और यथार्थ महिमा को स्वयं ही प्रचार करते हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर प्रत्येक युग में स्वयं आते हैं, उस समय उनका विरोध ये नकली गुरु बहुत करवा देते हैं, जनता को उनका शत्रु बना देते हैं, क्योंकि जो ज्ञान यथार्थ है वो पुराने ज्ञान के लोक वेद के बिल्कुल विपरीत होता है। जिन साधनाओं को वो श्रेष्ठ बताते हैं वो अश्रेष्ठ होती हैं। परमात्मा उनको निर्णय देता है कि तुम जो साधनाएँ करते हो ये गलत हैं, और जिनको वो भगवान बताए हुए होते हैं वो नकली गुरु, तो परमात्मा उनको कहते हैं कि ये परमात्मा नहीं है, इनकी साधना से मोक्ष नहीं हो सकता। इसी कारण से वो नकली गुरु अपनी रोजी रोटी को समाप्त होते देख करके प्रभु को, प्रभु के पीछे, परमात्मा के पीछे जनता को भ्रमित करके लगा देते हैं। 600 वर्ष पहले यही हुआ था, जब परमात्मा यहाँ आए थे यही ज्ञान दिया करते थे, जो दास आज आपके समक्ष रूबरू कर रहा है, जो सभी वेदों में प्रमाणित है, जो सभी पुराणों में प्रमाणित है और श्री मद्भगवद गीता में प्रमाणित है। ये परमात्मा 600 वर्ष पहले कबीर जी बताया करते थे, लेकिन इन नकली झूठे गुरुओं ने परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को झूठा कह करके रिजेक्ट करवा दिया। लेकिन आज ये लाल हम पहचान रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। गरीबदास जी ने फिर बताया था कि कोटि जन्म तो भ्रमत हो गए, परमात्मा ने बताया है कबीर जी ने, और कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गदा ओए होए, और कौआ हंस बुगारे। कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गधा गधे, इन योनियों को तूने असंख्यों बार प्राप्त किया ओए होए। क्यों किया? क्योंकि आप जी को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं जो जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को समाप्त कर सके, जो पापों का नाश करने वाले प्रभु की जानकारी रखता हो। पाप नाश हुए बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और इन अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षियों की सोच थ्योरी यही थी कि जैसा कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा। पूर्ण परमात्मा का विधान है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। अब क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की न्यामिटी नमन की आशा, और भिक्षकों के दर दर घूम लिया ये मिलाना निर्गुंडा सा। आप ऐसे भी साधक रहे हो जैसे घर त्याग दिया जंगल में जा बैठे, ऐसे भी महापुरुष हुए हैं, और गांव में आए नगर से रोटी भोजन मांग कर ले गए, कुछ खाली कुछ कपड़े में बांध कर वृक्ष के टांग दी, टहनी के बांध दी कि कौवे ना और कोई ना खोस छीन ले, ऐसे
एक रस्सी से बांध देते थोड़ा लटका करके, उसको कोई नहीं छेड़ता। फिर वो सूख जाती थी, सूख जाने पर सुबह एक दिन ना मांगने जाते थे, उन्हीं से काम चला लेते थे, उनको भिगो के जल में और खा के दो रोटी, फिर वो साधना तपस्या करते रहते थे। जिसके कारण कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और राजा भी कोटि जन्म राजा बन गया, लेकिन जन्म मृत्यु का रोग कटिया नहीं उन साधनाओं से। ऐसी कठिन साधनाएं भी की, घर भी त्याग दिया, लेकिन ये रोग कटिया नहीं, ये दुख समाप्त हुआ नहीं। क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया। भिक्षुक भिक्षा मांग लिया, फिर दो दिन मांगने नहीं गया, उसी सूखी रोटियों को भिगो भिगो कर खाता रहा। ऐसी कठिन साधनाएं भी की तूने, लेकिन परम संत तत्वदर्शी संत ना मिलने से, यथार्थ साधना ना प्राप्त होने से आपने प्रयत्न भी खूब किए पर व्यर्थ रहे। इंद्र स्वर्ग का राजा, कुबेर धन का देवता, वरुण और ब्रह्मा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की भगवान की पदवी भी तुमने पाई। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ जो चल रहा है, ये ऐसा ही पदस्थ कोई प्राणी है जो कभी ब्रह्मा के उसमें रहा है पोस्ट पे, और ब्रह्मा के जब उसकी पुण्य खत्म हो गए तो वो धक्के दे दिए नीचे आ जाता है, वो प्रेत बना हुआ है। तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। और ऐसे भी आत्मा है, वो कई कभी शिव भी रहा होगा, क्योंकि इनकी सीमा है, इनकी आयु है, इनकी जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। अपुण्य आत्माओं, ये एक ऐसा ज्ञान है कि ये सब जो दास ने बोले हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, तो ये आम आदमी के गले नहीं उतर सकती, क्योंकि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को लोक वेद के आधार से, यानी सदग्रंथों से बाहर के ज्ञान के आधार से हमने अजरो अमर अविनाशी सोच रखा है, मान रखा है कि इनके कोई माता पिता नहीं, इनके जन्म मृत्यु नहीं होती। इस कंसेप्ट को क्लियर करना अति आवश्यक हो गया, अन्यथा कोई पुण्यात्मा इस सत्संग को सुन रहा होगा तो उसकी जो है ना एकदम कड़वा मुँह हो जाएगा कुनीन की तरह, और ये कुनीन खाएं बार पड़ेगी। जैसे कोई मलेरिया ग्रस्त है और कुनीन कड़वी तो लगेंगी, पर वो खाने से बात बनेगी, रोग भी नहीं कटेगा। तो ये कड़वा ज्ञान है, ये कड़वे ज्ञान को एक बार जाने दो अंदर, फिर देखना इसका एक्शन कैसा होता है। अपने ही सदग्रंथ बता रहे हैं, इनकी जीवनी बता रही है महापुरुषों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, कि ये नाशवान है। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक कौन है? अनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, तीसरे स्कंद में। ये तीसरा स्कंद है और ये संक्षिप्त देवी भागवत है और प्रश्न नंबर ये 123 है। यहाँ देखिएगा, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है दुर्गा के सामने खड़ा होकर। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव भाव और त्रोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे,
संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस लेख से चार कंसेप्ट क्लियर होंगे, चार बात क्लियर होगी। नंबर एक, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। नंबर दो, दुर्गा इनकी माता है, जन्म देने वाली है, त्रिदेव जननी है। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी, ये एक रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी हैं। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा लिखा है वैसा ही दे सकते हैं, ये उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, दुखी को ये सुखी नहीं कर सकते और सुखी को दुखी नहीं कर सकते, यानी पाप नाशक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे इनकी जन्म मृत्यु होती है, जैसे एक ब्रह्मा की आयु है, एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। ये वर्ष कैसे बनते हैं? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इसको लंबसम 1000 मान लेते हैं हम, 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष, एक और 100 वर्ष की, ऐसे बने हुए 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ओहो, फिर ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक विष्णु जी की आयु, 700 वर्ष, और विष्णु जी से 7 गुना यानी 4900 वर्ष शंकर जी की, तमगुण शंकर। तो रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शंकर की इस तरह आयु है। तो ऐसे ऐसे 70,000 बार जब तमगुण शिव मर लेगा, तब एक काल ब्रह्म लोक में रहने वाला ये काल मरेगा, इसकी मृत्यु होगी, जो गीता ज्ञान दे रहा है। गीता ज्ञान दाता इसलिए कह रहा है अर्जुन 4th अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें में कि मेरा जन्म मृत्यु तेरी और मेरे बहुत ओलिए आगे भी होंगे, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। कैसे हैं? कि जैसे 70,000 बार इसका त्रिलोकी शिव मर लेगा, तब एक काल मरेगा ब्रह्मलोक में रहने वाला, वो एक युग होगा परब्रह्म का, उस अक्षर पुरुष का, एक युग ओनली। और ये मर जाएगा, एक ब्रह्मांड का नाश होगा, फिर ये सारे, दुर्गा भी मरेगी, यो काल ब्रह्म भी मरेगा, फिर ये सारे प्राणी ऐटोमेटिक सिस्टम से, प्रभु परमेश्वर की बनाए हुए विधान से, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वहाँ दुर्गा और काल का अपने आप, जैसे ये सुरसी डोरे अपने आप, कई कीड़े अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, इस विधान से इन दोनों का जीवन होगा। ये एकदम युवा हो जाएंगे, ऐसे इनका प्रकट हो जाएंगे, इनका शरीर बन जाएगा। ये फिर आगे अपने वचन से, शारीरिक संपर्क से आगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और अन्य सृष्टि फिर प्रारंभ करेंगे दूसरे ब्रह्मांड में। तो ऐसे इसकी मृत्यु, ये कहता मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ऐसे हैं। तो फिर ऐसे जैसे एक युग हुआ, एक ब्रह्म की मृत्यु जो है ये परब्रह्म का एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इसमें चतुर्युग नहीं है, एक ब्रह्मा का 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का वर्ष, और 100 वर्ष की, ऐसे बने हुए वर्ष की, 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की आयु है, उसकी मृत्यु। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में सर्वपुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, इन दोनों को और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबको नाशवान बताया। ये सतुल शरीर का नाशवान है और ये भी नाशवान है, इनकी भी मृत्यु होती है। और वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है उत्तम पुरुष, वो है पूर्ण परमात्मा, अविनाशी प्रभु, और वही तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है पूजा के योग्य। तो वो परमात्मा कबीर देव है, जो उसी नाक अपनी महिमा आप बताई, जो सन 1398 में बनारस में एक लहर तारा तालाब पर विकसित कमल के फूल में, काशी में शहर के एक तालाब पर
एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे, फिर धीरे धीरे लीला करते हुए